नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, अगर आप हमसे नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें। दोस्तों, वर्ग तीन लैब सहायक को लेकर के जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जल्द ही वर्ग तीन की दोस्तों सेकंड काउंसलिंग लैब सहायक की होने वाली, याद रखेंगे। लैब सहायक में जनजाति कार्य विभाग के जो 1600 पद थे लगभग, उन पदों पर जो है योग्यता भिन्न होने के कारण जो DPI ने काउंसलिंग नहीं कराई थी, तो अब जो है 1600 पदों पर जो है काउंसलिंग होने वाली। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें, काफ़ी चीज़ें आपको बतानी सुनने को मिलेंगी और मैं बताने वाला भी हूँ। देख सकते हैं 18 मार्च 2024 का ये रिट क्रमांक लिखा दोस्तों, रिट पिटीशन लगी थी 4928। इसमें दोस्तों जो फैसला आया है, इसमें सबसे पहले याचिकाकर्ता के बारे में बता दूं मैं, ये आप लोग देख सकते हैं किरणपुर बालाघाट से। इसके अलावा ग्वालियर सतीश कुमार पहलवान, अहिरवार हेमलता पुत्री मोना, ये तमाम जो लोग हैं इन्होंने जो है याचिका लगाए थे दोस्तों जनजाति कार्य विभाग भोपाल के नाम पर, और भी तमाम लोक शिक्षण संचालनालय और भी पार्टी बनाई गई थी दोस्तों। इसमें जो है आदेश पारित किया मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये पारित किया है कि याचिकाकर्ताओं के वकील तत्काल याचिका के माध्यम से जो शिकायत उठा रहे हैं कि याचिकाकर्ता प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के लिए उपस्थित हुए थे, उन्होंने जो है वो योग्य पाए गए, लेकिन पत्र क्रमांक 30/6/2023 के अनुसरण में यहाँ पे अनुलग्नक लगा है P8 बताया गया है कि जो अभ्यर्थी पाए गए हैं यदि योग्य लोगों की संख्या प्रकाशित पदों और सूची से अधिक है, रिक्त पदों को ध्यान में रखते हुए श्रेणीवार जिलावार प्रकाशित किया जाए, ऐसे में यदि अभ्यर्थियों ने जिला स्तर पर जारी चयन सूची में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया तो उक्त पदों के आधार पर किसी नियुक्ति का दावा न करें। एक नोट यह भी पाया गया है कि उपरोक्त संलग्न में चूंकि प्राथमिक शिक्षक एवं प्रयोगशाला शिक्षकों के पास अलग अलग अपेक्षित योग्यताएं हैं, इसलिए प्रयोगशाला चयन प्रक्रिया में प्रथम चरण में शिक्षकों को शामिल नहीं किया गया, यह उक्त नोट में आगे उल्लेख किया गया है। चयन के पहले भाग को पूरा करने के बाद प्रक्रिया चयन प्रक्रिया का दूसरा भाग आयोजित किया जाएगा प्रयोगशाला शिक्षक के लिए। ये बिल्कुल DPI का दोस्तों सेकंड काउंसलिंग समय एक आदेश आया था, उन्होंने आदेश में लिखा है काउंसलिंग आदेश में कि जो है हम जो है अलग से इसकी प्रक्रिया आयोजित करेंगे, वही चीज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी कहा है दोस्तों अपने ऑर्डर पे। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का कहना कि उक्त के अनुसरण में निर्देश प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक प्रयोगशाला शिक्षकों का सवाल है यह कि अभी तक शुरू नहीं हुई है, तो इन उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए निर्देश देते हुए इस याचिका को निस्तारित किया जाता है, यानी जो दोस्तों खारिज कर दिया गया है, मतलब उसको कंप्लीट कर दिया गया फाइनल ऑर्डर। प्रतिवादी संख्या 4 को पत्र दिनांक 30/6/2023 के जारी निर्देशों अनुसार लागू करने और यदि काउंसलिंग आयोजित करने में कोई बाधा नहीं है, प्रयोगशाला शिक्षकों को इसे 2 माह की अवधि में यानी 60 दिवस के भीतर जो है काउंसलिंग आयोजित करनी पड़ेगी, और जो पात्र हैं उन्हें जो दोस्तों जो है इस तरीके से वर्ग 3 लैब सहायक के पदों पर काउंसलिंग करा करके जॉब देनी होगी मध्य प्रदेश शासन को दोस्तों। तो ये जो है फाइनली ऑर्डर था हिंदी में, इंग्लिश वाला ऑर्डर भी मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्रत्येक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो अब जो है फाइनली वर्ग तीन में दोस्तों लैब सहायक की जो है अब जो है वैकेंसी का रोस्टर जो था उस पर फाइनल मेरिट लिस्ट सूची जारी की जाएगी, या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करा करके दोस्तों इस पर रीमेरिट जारी की जाएगी। अब इसको लेकर के जो है एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें साइंस वाले, मैथ वाले, आर्ट वाले कौन कौन एप्लीकेबल होंगे, नहीं होंगे, क्या DEd BEd उसमें शामिल, NIC से DEd शामिल, इन तमाम जो डाउट्स थे उनको लेकर के अगला वीडियो आएगा, उसमें आप लोगों को डिस्कस करूंगा दोस्तों। पर ये कंफर्म हो चुका है, कोई संदेह नहीं है, अब जो है लैब सहायक के पदों पर जो है प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की सूची के अनुसार जो भी मेरिट सूची में आएंगे, चाहे वो OBC होल्ड हों, UR हों, या फिर जो मेरिट सूची वेटिंग लिस्ट से नीचे के बंदे हों, उन सभी का सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों। इस तरीके से जो है बहुत अच्छी बात है ये, मध्य प्रदेश सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही थी, अब हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, अब उन्हें भर्ती करना ही होगा साथियों। धन्यवाद, जय हिंद। अगले अपडेट अगले वीडियो में।